हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं प्री वेडिंग शूट करने, और शूट लोकेशन है इंदौर में, पता नहीं कहाँ पे हैं, भैया बताएंगे जहाँ पे भी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में अगर आज की ब्लॉग शूटिंग देखनी हो तो। फिलहाल में बैठ रहे हैं, बैठो। अगर रजिंद नहीं बैठी, तारा नहीं लगा पा रहे हैं, चले चलो भैया, चाबी रख रहे हैं यार। हम लोग आए पोहा खाने। क्या है महाराज? बढ़िया है, पोहा खा लो भैया। पेमेंट कर दो तो पेटीएम कर दो मुझे भैया। कमेंट में बताइए कि पेटीएम में नंबर भेज दीजिए, सबके भेज देंगे पोहा खा के जाने। तो गाइस, पूरा खाने कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम लोग जाएंगे थोड़ी बोड़ी चाय वाय वगैरह पियेंगे। चाय पीने के बाद नेक्स्ट ओम श्री राधे। भोलाराम खबर घुमा के तालाजी भैराजी नाश्ता सेंटर है, और जब भी यहाँ पर आए तो यहीं पर पूरा खाएं, क्योंकि बहुत मस्त पूरा मिलता है। हम लोग दो तीन दिन से खा रहे हैं कंटिन्यू। देखिए इस प्राणी को, कितना पता चुके हम लोग चाय पी रहे। फेवरेट चाय खाली इलाची में मिली गिलास। सीताराम जी राजस्थान से हैं, और इंदौर में चाय बहुत मस्त बनाते हैं। हेलो यहाँ का राजवाड़ा इंदौर का। तो गाइस, हमारी प्री वेडिंग कंटिन्यू शूट चल रही है, आप देख सकते हैं। केशव भैया पूछ बता रहे हैं, और हमारी वीडियो का काम है तो हम अपना ले चुके हैं पर्याप्त। अब इनका फोटो का काम आया है। तो क्या मस्त सीन बताया भाई, हम मिलेंगे। डिस्कशन हो रहा है कैसे पोजेस करने हैं, कैसे सीन करने हैं। ये बकर चौधरी कर रहे हैं। का शूट हो चुका है कंप्लीट, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पर। तो गाइस, यहां का कर रहे हैं हम लोग पैकअप, अब जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। वहां पे आप हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू। करो ऐसे आगे ऐसे। हाँ ये बात, पकड़ सको तो पकड़ लेना, वहां पकड़ाना मत, तभी तो रेंडमली अच्छा आएगा। बहुत मजा आ रहा है भाई शूट करने में। हाँ चलो, कैसा अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। पैकअप क्या बोलेंगे? कलंक मूवी की शूटिंग हुई थी वहाँ पर, जहाँ पर नेक्स्ट जा रहे हैं। कलंक मूवी वो कौन सी थी? लालबाग में हुई थी। आज वो शेर भी निकाल तो गाइस, यहाँ का शूट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग फोटो वीडियो कैमरा सब पैक कर चुके हैं, वक्त वगैरह पैक हो रहा है, और अब हम लोग जाएंगे लालबाग। लालबाग में ना कहाँ कहीं जाना है, इंदौर की लोकेशन है पता नहीं कहाँ पे, क्योंकि हम लोग इंदौर में नए हैं, पता है ज़्यादा घूमा नहीं है। तो वहाँ के शूट के बाद, जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम लोगों ने 10 दिन के 10-11 बज चुके हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ पोहा बस खाया था, 11 ही 12 सॉरी, अभी 12 बज चुके हैं, पोहा बस खाया था। उसके बाद अभी एक और शूट करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे कहाँ जाएंगे, हाँ उसके बाद जाएंगे रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद 3 बजे के बाद फिर से शूट स्टार्ट होगा। तो आप हमारे साथ हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, हम आपको अच्छी अच्छी लोकेशन के साथ रहेंगे, और जो बेस्ट लोकेशन है
और आप लोगों को भी कभी अगर प्री वेडिंग वगैरह शूट करनी हो तो हमारा ब्लॉग देख के रास्ता देख के आ सकते हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय महाकाल। बढ़िया है। तो गाइस मेरे जूते हो गए थे चोरी, मिल गए। वो तो किस्मत की बात अच्छी थी कि वो बर्थडे गिफ्ट थे तो इतनी आसानी से चोरी होने वाले में से नहीं है। हमारे बर्थडे में मिले थे। अच्छा, मोहन ने दिए थे। हाँ, गिफ्ट किए थे मोहन ने। अच्छा। मोहन ने और लकी बादशाह ने। तो थैंक यू लकी, थैंक यू मोहन। हम लोग ये जूता हमारे मिल गए, चोरी हो गए थे, कम से कम आधा घंटा ढूंढे हैं, आधा घंटा बर्बाद हो गया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। बहुत देर हो गई। सही में बहुत देर तक अपना ब्रांड यार। बहुत देर हो गई ना। तो भाई नहीं खाओ? तुम्हें पता नहीं खाओ। हमने तो पानी भी नहीं पिया। हमने भी नहीं पियो ना। तो पानी ले लियो यार। ओके सर, थैंक यू सर। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी दाढ़ी बड़ी हो गई। ये इनकी दाढ़ी बड़ी हो गई। बच जाने बच गए क्या गया? अबे नहीं जा नहीं। हाँ, रात के देख ली थी हमने, डिसाइड कर ली थी, चलवा दे ना अपन। हाँ पूरा वाइड एंगल क्या चलना भाई। चाचा जयराम जी की जी जा रहे सीधे। अबे तय कहा तुम भी यार। ओ भाई चाचा से जयराम यही है, यही है, इसी को मारना है। किले के मार गया है जी। क्रिकेट देखो यार, हम तो क्रिकेट लवर हूँ। भाई यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। मारा छक्का मारो। ए तू गलत छक्का फेनू। लोग आ चुके हैं लालबाग और लाल बाग में आकर लाल बाग को सर्च कर रहे हैं। वो पुराना ए, बस कर दे भेजी थी। कहे अपन कहाँ खड़े? और सर्च क्या कर रहे हैं? लाल बाग, रेड बाग। लाल बाग अपन रेड बाग पे। लाल बाग पे लाल बाग में खड़े होकर लाल बाग को पता कर रहे हैं कैसा है। देखो ये कैसा है। हाँ सही है। अंदर अब ये है कि उनका देखना पड़ेगा कि फोटो अंदर अलाउड कौन कौन सी जगह पे। ये गेट कहाँ पे है? वो बाहर जाने है कि नहीं है? नहीं कैमरा नहीं जा रहा है। अंदर चलेंगे? नहीं बंद है। चल अरे तो नाक ज्यादा पर कुर्सी हमें घर भिजवा दे तो मजा आ जाए। हेलो गाइस, तो आज हम लोग आए थे लालबाग। यहाँ पे हमने सुना है कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमारी पार्टी जो मतलब दूल्हा दुल्हन है वो बेचारे बाहर बैठे, हम लोग अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, लाइटिंग चेक करने आए थे। उसके बाद पता चला है, हाँ, उसके बाद पता चला है कि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। यहाँ पे कुर्सी धड़ी धड़ी चढ़ गई है। सड़ी कुर्सियों की 20 रुपये ले लिए हमसे, बताओ देखने के। अलाउ नहीं कर रहे अंदर कैमरे। हाँ तो गाइस आप कभी मत यहाँ पे आना, कैमरे का सोच ही की मत आना, ना घूमने आना, फटी कुर्सी है। यहाँ का शूट वैसे कम्प्लीट तो नहीं हो पाया, झूठ बोल रहा है कि कम्प्लीट हो चुका है, बाकी अब नेक्स्ट लोकेशन पे जाने वाले हैं हम लोग। हम लोग आए थे होटल में पानी पीने। होटल में होटल में बोतल में पानी पी रहे। होटल में होटल में लिखा है फालतू बैठना मना है, इसलिए हम लोगों ने पानी पानी लेने लो। फालतू थोड़ी बैठे यार, ब्लॉग बना रहे। कहाँ जा रहे? बड़े अरसा के बाद, बहुत इंतजार समय के करने के बाद मर गई भूख। लगी लगी ओ मैया। तो गाइस बहुत समय बाद, लगभग 3 बज चुके हैं, बहुत तेज लगी थी भूख, लग के ख़त्म भी हो चुकी है। अब जा रहे हैं खाना खाने, एक आध दो रोटी खाएंगे बस। टाटा बाय बाय। हेलो भोपाल, भारतीय तिंदु सभा। काल काल बहुत पैदल चलवाओ तू। अरे तो इनके इंग्लिश में यार
फर्क होगा ना यार। तो अन्ने कहीं पेड़ लो जाओ। पेड़ लो तो ठीक ठाक है, अन्ने कहीं के बोले होते दावा चोर आप मुझे चले जाओ तो हमारा लोग पीटन चले गए, लुटिया डूब गई। लुटिया डूब गई यार। गाइस आ चुके हैं हम लोग खाना खाने, मिल जाए तो ठीक ना, मेरे तो अभी ठीक। दाल चावल सब्जी रोटी बंद है। वही ले वाले खाने नहीं है नसीब में। हम लोग जा रहे हैं फिर से शूट करने। ओ मैया और भगवान, हाय बहुत अच्छे लग रहे हैं। किसको यार अबे कौन नंबर नहीं आया? लो बन जाओ, तो बन गए। चलो तो गाइस निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं हम तीनों लोग एक स्कूटी में, इतना सारा सामान और कटे का चालान। हम लोग जाएंगे जेल, हो सकता है फिर ना मिले बेल, फिर ना मिलेगी बेल, सलूटिया डूब जाएगी खाने की। ये देखो नाम भवर कुआ का है, इसका नाम भी भवर कुआ है क्योंकि यहाँ इतने सारे स्टूडेंटों पढ़ाई के चक्कर में कुएं हैं, वो कुएं से बाहर नहीं निकल पाए, तो भवर में। अच्छा भवर में फंस गए, भवर में यहाँ आके बंदा भवर में फंस जाता है पढ़ने के चक्कर में, और इसका का उस बंदे का नाम बिल्कुल खत्म हो जाता है, पर वो यही बोल पाता है कि मैं भवर कुआ में रहता हूँ। अच्छा इस भवर से अगर कुआ में कभी ना आए, यहाँ फंस गए तो लुटिया डूब जाती है लाइफ की। का नाम भैया लोकेशन को गुलाबा लोटस वैलीस, जो कुछ भी नाम हो आगे लूंगा। गाइस हम आ चुके हैं न्यू शूट लोकेशन पे, अब यहाँ पे करेंगे भव्य जहर कतई जहर शूट। भाई कोई कहते देखो ना सब जगह सवेरों का मेरे, ये केशव पटेरिया। हाँ वो तो पता ही है सबको, रसरी नहीं का होगा इसमें रस्ते, ये फूल कब से नहीं निकले पता है सालों। गाइस सूट में कैमरे वगैरह सब सेट हो चुके हैं, अब भैया रेडी हो रहे हैं, थोड़ी देर में करेंगे फिर शूट, और शूट का स्टेट शूट की वीडियो बना नहीं पाएंगे क्योंकि आज कोई एक्स्ट्रा नहीं है, हम और केशव को बस हैं, सो वो फोटो करेगा हम वीडियो करेंगे, टाइम मिलता रहेगा तो ब्लॉग बनाते रहेंगे, ना मिलेगा तो कोई बात नहीं। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, फोटो निकाल दो मेरी। चेंजिंग रूम देखो क्या मस्त है भाई, 30 रुपये में जुगाड़ है, 20 की पन्नी, 10 को लोहा, राहुल गांधी के हैं, राहुल गांधी के हैं, राहुल गांधी की चेंजिंग रूम सबसे सस्ता वो है, सबसे सस्ता ये भी है। अच्छी आ रही सन लाइट, लाइट अच्छी आ रही, कैमरा से निकाल दे। तो कैसे हैं गाइस, लोकेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, बहुत अच्छी लोकेशन है। अभी अगर शूट का रिजल्ट देखना हो तो केशव पटेरिया फोटोग्राफी करके सर्च करना इंस्टाग्राम में, सब मिल जाएगा। गाइस ये नाव के बता रहे थे 1500 रुपये, उसमें से 500 रुपये हमारा कमीशन निकाल रहे थे, बोल रहे थे पार्टी को मैनेज कर लो, अबे हम तो कह रहे थे भाई 500 रुपये तो मैं कमीशन दे भी, 1000 में करवा दो डील। अच्छा हाँ अबे साइड में जाके हाँ हमने की बिल्कुल बता रहे। हेलो गाइस, तो मैं इससे परेशान हो चुका हूँ, पूरे में जंगल में घुमा चुका है, अभी कहीं तक बताया नहीं। कहा यार महाराज बताओ यार कहाँ ले भाई, बच गया भाई लुटिया डूब जा। तो गाइस पूरे जंगल में घूम चुके हैं, सब कहीं बांस ही बांस दिख रहा है, हमारी पार्टी पीछे गपशप कर रही, मतलब समझ रहे करिश्मा रंग दो यार, हाँ पी आने लगी हमें, हाँ तुम तो रोज आ देते गाय, हट कबूतर कबूतर जा 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 कबूतर जा, और भाई जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल। जय श्री राम वाले अपन बचपन के, वो जय श्री महाकाल वाले अपन बचपन के ऑलरेडी जब मालूम है। सही बात है, ये जाता नहीं है क्या कबूतर कहीं जाता नहीं है क्या, ले लो भाई दूसरे को ही देखना है। हाँ गाइस देख सकते हैं बेस्ट प्री वेडिंग के पीछे का कितनी मेहनत लगती है,
बहुत सुबह से लगे हैं कंटिन्यू, बहुत मेहनत लगती है अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, कोशिश कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट करने की। बाकी लगे हैं केशव भी और हम भी, बस दो ही लोग चले नेक्स्ट लोकेशन पे। अभी नहीं चलेंगे, लेकिन उसको देख कहीं भी देखो, कैमरे पर नहीं, कैमरे पे मत देख। अरे खुशी तो नहीं आई पंकज भैया बहुत समझाते भाभी को क्या बहुत मेहनत पड़ रही, ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्टरी का कोर्स करो हुए गए। तो गाइस समझ सकते हैं अच्छी से अच्छी प्री वेडिंग करने में कितनी मेहनत लगती है, प्राण निकल आ रहे हैं ठीक है ना है खाना खा के आए थे, पूरा खाना पच चुका है और ऐसा ही ले रहा है। देख सकते हैं कंटिन्यू शूटिंग चल रही है और हमारी वीडियो की वीडियो तो बन नहीं पा रही, कैसे हम ही बना रहे हैं, एक्स्ट्रा लोग नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं ये लोटस की लोकेशन, ये सनलाइट बहुत प्यारी आ रही है, लगभग शाम के 4-5 बज चुके हैं क्या लगा देंगे घोड़े में फिल्टर खड़ी रहेगी ना, खड़ी रहेगी चलो क्या बात है, अब वापस वहीं ले चलो यार भैया बल्ले बल्ले भैया होता ले चलो छाया में यार चश्मा लगा लो लगा लो हुप्पू हुप्पू पाल की जय कन्हैया लाल की। भाई सर पे आइए, एक क्यों कहाँ से आनी है, उधर ही से जाओ से आए थे और चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो हम बता रहे चले चलो भाई लगा लिया ठीक है। हाँ अच्छा लग रहा है बहुत एक्सपीरियंस, घोड़ी चढ़ गया, घोड़ी चढ़ गया भाई पहली बार चला, लेकिन लगा नहीं कि पहली बार चले चलाया गया यार, एक्सपीरियंस आदमी ने चलाया ठीक है। लाइट खत्म होने वाली है और ये लास्ट शूट चल रहा है, बहुत महंगी ड्रेस है ये, 1000 रुपया में किराए से आई और मैं ये ड्रेस उड़ाऊंगा अभी, और रिजल्ट देखना हो तो केशव फोटोग्राफी में जाओ और सर्च करो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलो ठीक है करो पीछे गाइस देख सकते हैं ये मेरी मेहनत देख फॉर रिजल्ट सकते हैं एक अच्छी प्री वेडिंग के पीछे का कितनी मेहनत लगती है, और कपल तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं अगर गलती से हेल्पर लेकर नहीं आए तो क्योंकि आज ना फोटोग्राफर हेल्पर लेकर आए हैं ना हमारे ब्राइड और ग्रूम कुछ नहीं लेके आए हैं, 4 लोग हैं बस सिंपल, अंधेरा आ रहा है बहुत ज्यादा ठीक है। तो गाइस तो इस पिक का रिजल्ट देखना हो तो जल्दी से केशव फोटोग्राफी सर्च करो इंस्टाग्राम में, बहुत अच्छी फोटो आ रही है, भले ही ब्लॉग में अंधेरा दिख रहा है आप इसकी फोटो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो हमारा क्या भाई को हम शादी में जरूर बुलाएंगे और शादी में भी भाई फोटोग्राफर करेगा। ओके आपको कैसा लगा हमारा फोटो शूट, अच्छा लगा और ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग भी बहुत अच्छा। तो गाइस ये हमारे हमें सपोर्ट नहीं कर रही इनसे क्या, तो कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा हमारा ब्लॉग, बिल्कुल भाई लाइक कमेंट फॉलोवर नहीं होगा सब कुछ। ओके सर अपना अब नेक्स्ट दिखाएंगे ठीक है इंस्टाग्राम और हाँ, अगर ये रिजल्ट देखने होंगे फोटोग्राफी के तो केशव फोटोग्राफी सर्च करो इंस्टाग्राम में, उसमें बहुत ही अच्छी उसको फॉलो करो और बेल आइकन दबाओ और बेल आइकन का हां होते यार नोटिफिकेशन आ गया होते बेल आइकन लाइक कमेंट शेयर मेंशन प्लीज, बेल आइकन पे क्लिक करें हमारी अपडेट वीडियो आपको तुरंत डलते ही सबसे पहले आपको अलर्ट मिल जाएगा। ओके सर थैंक यू सर, जय श्री राम जय श्री राम।